फिजा ये कह रही मुझे किस बात का तुझे है डर, खुला ये आसमां में उड़ता रहूं मैं बेफिकर, ये मुझ में जो है सारी परेशानियां, इन सोच के क्यों भूल जाऊं अपनी खूबियां, पहचान ले मैंने अब तो अपनी खुशियां, इन थाम के मैं उड़ जाऊं पाऊं मस्तियां, जी भर के जी ले जरा ट्रिप तो मैंने दे दिया, लेकिन नेक्स्ट में कोई भी ट्रिप नहीं दे सकती हूँ। लेकिन क्यों? अरे यार मेरे पैसे खत्म हो गए। एक साल तक मैं कोई भी ट्रिप नहीं दे सकती। यार मैं भी कोई ट्रिप नहीं दे सकती क्योंकि मेरे पास भी पैसे नहीं है। हमें घूमना तो पसंद है लेकिन मम्मी से पैसे मांगूंगी वो भी नहीं देंगे मुझे। हाँ यार मेरे पास भी पैसे नहीं है और भैया से मांगूंगी तो भैया भी मुझे पैसे नहीं देंगे, तब क्या करें? हाँ तो एक साल तक घूमना फिरना बंद। ऐसे कैसे? हमें घूमना तो पसंद है ना। हाँ तो कुछ सोचो। आइडिया, मेरे पास एक मस्त प्लान है। हाँ तो जल्दी सुना। मेरा भैया तो पुलिस में है तो किस बात का टेंशन, मेरा भैया से जितना मांगूंगी उतना ही दे सकते हैं और मेरे लिए तो कुछ भी कर सकते हैं मेरे भैया। तो तुम दोनों एक काम करना, कल जब मैं ट्यूशन जाऊंगी ना तो तुम दोनों मुझे उठा लेना। कैसा रहा मेरा प्लान? मस्त आइडिया है निकी। किडनैप करने का तूने बहुत अच्छे से किडनैप किया निकी को, किसी को भनक तक भी नहीं हुई कि ये प्लान हम लोगों का था। अरे काम तो पहले होने दे उसके बाद इतना उछालना, ये लोग तो है कॉल नहीं उठा रहे। क्या बोल रही है, काम नहीं हुआ है लेकिन निकी तो किडनैप हो गई है। क्या बकवास कर रही है कि निकी किडनैप हो गई है, जिसको काम देने वाले थे वो अभी तक कॉल नहीं उठाया कल से और निकी किडनैप हो गई। अरे यार मैं सच बोल रही हूँ, निकी किडनैप हो गई है और उसके भैया पूरे शहर में किडनैपर को ढूंढ रहे हैं। मैंने सोचा तूने ये काम करवाया है इसलिए मैं तेरे पास आ गई। तू तो पागल हो गई क्या? मैंने निकी को किडनैप नहीं करवाया, मैं जिसे काम देने वाली थी वो तो कल से कॉल नहीं उठा रहा है।
एटलीस्ट मैं अगर ये काम करवाती तो तुझे तो पता होता ना, तू भी तो इस प्लान में शामिल थी, और तुझे बिना पता मैं कैसे करती। अरे दीपा, इसका मतलब निकी शायद सचमुच का किडनैप हो गई है और हमें इसका पता लगाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग फंस जाएंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो अभी दूसरे शहर में जा भी नहीं सकते। अगर हम लोग कहीं भी चले जाते तो हमारे ऊपर ही शक होगा। हाँ यार, पुलिस। अरे सर, हम लोगों ने किडनैप नहीं करवाए, हमें छोड़िए ना सर। हाँ सर, वो तो हमारी फ्रेंड थी और हम लोग उसे कैसे किडनैप करवाते। सर हम लोग को छोड़ दीजिए ना। चुप करो, ज्यादा बकबक करोगे तो जल्दी सूली पे चढ़ा दूंगा। अरे यार, सर को समझना तो बहुत मुश्किल हो गया है। अगर हम लोग अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए तो पता नहीं एक हफ्ते बाद हम लोग को सूली में चढ़ा दे। हाँ तो दीपा, हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? कुछ सोचना यार तू। हाँ मैं भी सोचती हूँ और तू भी सोच। सोच मिस्टर सोच, नहीं तो हम लोग सच में सूली में चढ़ जाएंगे। सुनिए ना दोरा। बोलो। सर हम लोग सच बोले सर, हम लोगों ने अपने फ्रेंड को किडनैप नहीं करवाया सर। हम लोग अपने आप को सच प्रूफ करना चाहते हैं सर, नहीं तो हम लोगों को झूठ मूठ का फांसी हो जाएगा। और आपको तो पता है ना सर, झूठ मूठ का फांसी देना कितना बड़ा गुनाह होता है। इसलिए हम लोग अपने आप को प्रूफ करना चाहते सर, और इसके लिए आपका हेल्प चाहिए सर। प्लीज आप हेल्प कर दीजिए ना। हाँ सर। प्लीज सर, हम लोग अपने आप को सच प्रूफ करना चाहते हैं सर। हाँ सर, हमें अपने आप को प्रूफ करने के लिए थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए ना सर। अच्छा ठीक है, बताओ क्या करोगी तुम लोग और मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ तुम लोगों का। दीपा, हम लोग तो पुलिस स्टेशन से निकल गए, लेकिन अब हम लोग अपने आप को कैसे प्रूफ करेंगे? तो टेंशन मत ले, मुझे कुछ याद आया है। आज मैं 2 प्लेट मोमोज खाऊंगी। ये कौन है निकी के साथ? अरे निकी, ये कौन था? मेरा बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड? तेरा बॉयफ्रेंड कब बना? वो हाल फिलहाल में ही बना। अच्छा ये सब छोड़ ना, चल अब चल। बेबी एक काम करो, घर से 5 लाख रुपए लेके आ जाओ, हम लोग कहीं भाग चलते हैं। इतना सारा पैसा मैं कैसे लाऊं? अगर भैया को पता चल गया तो? मेरे पास एक प्लान है, किडनैपिंग का बहाना बनाते हैं। तुम किडनैप हो जाओगी और हम लोग पैसा मांग लेंगे 5 लाख रुपए, फिर लेके फुर। अरे ये तो निकी का बॉयफ्रेंड का साउंड लग रहा है। ये तो कोई हैवी नहीं। अब हमें उसी जगह पे जाना होगा। थी तेरी, हम दोनों को अपने भाई के कब्जे में फंसा के खुद पैसे लेके भाग रही है। ये क्या बोल रही है? मैं कहाँ पैसे लेके भाग रही हूँ? तो इसमें क्या है? और तुझे किडनैप किसने किया था? हम दोनों तो नहीं किए थे, और तू अभी पैसे लेके भाग भी रही है। और ये तेरे साथ नमूना कौन है ये बता। ये मेरा बॉयफ्रेंड है और हम दोनों को कहीं पे जल्दी जाना है, लेट हो रहे हम दोनों, हट जाओ।
भैया आप? भैया ये रही आपकी बहन जो हम दोनों को फंसा के खुद पैसे लेके भाग रही थी। वही तो मैं सोच रहा हूँ, मेरा बहन हो के इतना पागल कैसे हो सकती है। तुम ऐसा इंसान के साथ भाग रही थी जो तुमको छोड़कर भाग गया। सॉरी भैया। सॉरी मुझे नहीं, पहले दोस्तों को बोलो फिर घर चलो। सॉरी दीपा, सॉरी मिष्टू, मुझसे गलती हो गई थी, मेरी वजह से तुम दोनों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी, प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, दोस्ती में तो इतना चलता ही है। भैया प्लीज आप भी मुझे माफ कर दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, घर चलो।